नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल योगी जी सर हो या फिर मनोज डे हो, वो लोगों को कैसा पता चल जाता है कि यूट्यूब की नई अपडेट आई है और वो फटाफट वीडियो बना देते हो। तो दोस्तों वो हमको क्यों नहीं पता चलता? दोस्तों हमको भी पता चलता हो, हमारे पास भी आती है, जो भी न्यू अपडेट आती है तो हमारे पास भी आती है। यूट्यूब की जो भी न्यू अपडेट आती है वो सबके पास आती हो, चाहे आपके 1K सब्सक्राइब हो या फिर 50 सब्सक्राइब क्यों न हो, जो भी है न्यू अपडेट आती है यूट्यूब की तो वो सबसे पहले हमारे पास भी आती है और हम भी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों जो भी YouTube की न्यू अपडेट आती है वो इंग्लिश में ही आती है तो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। तो वो हम कैसे करेंगे उसको, हम उसके लिए हमको एक सेटिंग करना पड़ेगा अपने YouTube चैनल में ही, अपने YouTube एप्लीकेशन में ही। अगर वो सेटिंग हम कर लेंगे तो हम भी सबसे पहले जान जाएंगे और हमारे पास भी आएगी YouTube की जो भी न्यू अपडेट आती है तो हमारे पास भी आएगी। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हमको सिर्फ अपने मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनल में जाकर एक सेटिंग करना है। वो सेटिंग कर लेंगे, जो भी न्यू अपडेट आती है तो इंग्लिश में ही आती है तो उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी में हम भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपने यूट्यूब चैनल में जाकर एक सेटिंग करना पड़ेगा। वो सेटिंग क्या है तो हम जाकर वो सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हमको पता चलेगा कि ये इंग्लिश में बोल रहा है तो हमको हिंदी में दिखाई देगा और हम हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेने का, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने YouTube चैनल में और वो सेटिंग क्या है उसको हम जानते हैं और वो सेटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास भी सबसे पहले जो भी YouTube की नई अपडेट आएगी तो हमारे पास भी आएगी और हम भी उसका वीडियो बनाएंगे और बना सकते हैं। तो वो इंग्लिश में आएगी तो हम हिंदी में पढ़ सकते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। जब अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड कोने में आपका चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, आपने चैनल बना रखा है। तो उसके बाद में उसको टच करोगे तो आपका चैनल यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल रहा है तो उस सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आगे वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्शन पे क्लिक करना है। हम कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको ये बटन आपको ऑफ दिखाई दे रहा है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो चलिए हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्शन साइज एंड स्टाइल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट साइज पे क्लिक करना है। टेक्स्ट साइज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपने वो चूज कर लेना है। यहाँ से वेरी स्माइल, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लैंग्वेज, ये आपने इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने इसको डिफ़ॉल्ट करके ही रखा है तो हम इसको चूज कर कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कैप्शन स्टाइल पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे वो वाला सिलेक्ट कर लेने का, कैप्शन आपको जो भी किस कलर में अच्छा लगे वो वाला ले लेने का। उसके बाद में आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। कैप्शन साइज एंड स्टाइल तो हमने कर लिया, ये वाला नीचे वाला आपको मोर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मोर कैप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखने को मिल रहा है।
लैंग्वेज के आगे यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेटिंग कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे अभी आपको यहाँ से देखिए, आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री की सारी लैंग्वेज आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से ही यही खास सेटिंग है, इस सेटिंग में आपको ही करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, हिंदी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अभी जो भी यूट्यूब की नई अपडेट आएगी तो वो आपके पास आएगी, और आप उसको इंग्लिश में आएगी तो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों यही खास सेटिंग है, और जो भी यूट्यूब की नई अपडेट आएगी वो आप पढ़ सकते हो बड़ी आसानी से हिंदी में, क्योंकि यूट्यूब की अपडेट अभी हर रोज़, या मानो कि हर रोज़ ही समझ लो, हर रोज़ आती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने चैनल में जाके सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद में अभी यह पूरा हुआ नहीं, अभी बाकी है। आपको कैसा पता चलेगा कि न्यू अपडेट आई है यूट्यूब की? तो चलिए हम इसको पूरा बैक चले जाते हैं। यहाँ से बैक जाने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने यूट्यूब सर्च में सर्च करेंगे क्रिएटर इनसाइडर। तो चलिए हम क्रिएटर इनसाइडर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं। तो हमने ये उसमें है सर टाइप करके रखा, तो चलिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, हिंदी में मैं ये करके रखा हूँ, तो अभी ये हिंदी में वो हमको दिखाई दे रहा है और हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब भी आती है नई अपडेट तो इंग्लिश में आती है, और ये लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में बोल रहा है और हमको हिंदी में दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं वो, इसलिए कि हमने सेटिंग करके रखा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फिर वो सेटिंग तो हो गई, एक सेटिंग यहाँ पे आपको करनी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप हिंदी में पढ़ सकोगे। वो इंग्लिश में बोलेगा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो पे आपको कहीं भी क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिखाई दे रही है राइट साइड कोने में, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे कैप्शन लिखा हुआ, उसके आगे हिंदी लिखा हुआ, तो हम इस पर कैप्शन पे क्लिक करेंगे। कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया, टर्न ऑफ ऑप्शन और इंग्लिश हिंदी। तो हमने हिंदी सिलेक्ट करके रखा है, तो हमको हिंदी में पढ़ने को मिल रहा है, तो हम इंग्लिश कर लेते हैं सिलेक्ट। तो अभी हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए आपके सामने वो आ गया, बोल रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही हमको पढ़ने को मिल रहा है। तो हम एक बार फिर आपसे बता देते हैं, यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है, फिर राइट साइड कोने में यहाँ पर आपको तीन बिंदु पर क्लिक करना है, फिर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा आगे वाला पेज। यहाँ पे हमको तीसरे नंबर पे कैप्शन पे क्लिक करना है, फिर हमारे पास वही पेज ओपन हो जाएगा, तो हम हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने हिंदी सिलेक्ट किया तो हमारे पास देखिए वो मिल रहा है हिंदी में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी पढ़ सकते हो, जो भी यूट्यूब की नई अपडेट आती है तो आप भी पढ़ सकते हो, और आप वीडियो बना सकते हो टेक्निकल योगी सर से पहले, और अपने यूट्यूबर को और अपने सब्सक्राइब को बता सकते हो, पब्लिक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक सेटिंग और बाकी है, अगर आप वो सेटिंग करोगे जब ना आपको पता चलेगा कि यूट्यूब की नई अपडेट क्या आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी चैनल में हम यहाँ पे आएंगे हम चैनल्स में। चैनल में आने के बाद में अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, ये तीन चैनल दिखाई दे रहा है, इन चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेने का। तभी तो आप, जब तक बेल आइकन को प्रेस घंटी को प्रेस नहीं करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन कैसा आएगा, आपको कैसा पता चलेगा कि न्यू अपडेट क्या आई है यूट्यूब की। तो ये यहाँ से पहले आप सब्सक्राइब कर लेने का और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेने का, जब भी आपके पास नई जो भी YouTube की अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और सबसे पहले आप भी YouTube की नई जो भी अपडेट आई है उस पर वीडियो बना के आप पब्लिक कर सकते हो, अपने सब्सक्राइब को बता सकते हो।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने का और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना न भूले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।